नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों आज हम 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं होता तो शायद 3000 सब्सक्राइबर कभी भी कंप्लीट नहीं होते। मैं आशा करता हूँ हम न्यू ईयर से पहले 5000 सब्सक्राइबर अचीव कर लें। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा महिंद्रा सुप्रो ZX के बारे में कि 2018 में कंपनी ने उसके साथ क्या क्या नया नया फीचर्स ऐड किया था और उसमें क्या क्या नया नया स्पेसिफिकेशन है, क्या उसका प्राइस है और उसका जो बेसिक हाईलाइट पॉइंट है मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिसके साथ आपको नए नए वीडियो की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें तो गाड़ी का फ्रंट लुक की, तो गाड़ी बहुत ही अच्छा दिखता है। और बात करें इंजन की, तो आपको महिंद्रा का DI टर्बोचार्ज इंजन आपको इस गाड़ी में मिलेगा। और बात करें इंजन डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको 909 cc का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अभी इसका ऑन रोड जो प्राइस है 587,807 रुपये। पावर की बात करें आपको 45 hp का पावर, और टॉर्क की बात करें आपको 19 Nm का टॉर्क भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। ये सुपर ZX का है वेरिएंट है, ये आपको और दो वेरिएंट भी मिलेगा, एक है VX एंड एक है LX। बात करें माइलेज की, तो कंपनी आपको क्लेम करता है 23.5 km/l का आपको माइलेज मिलता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसका जो एक शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा वो 587,708 रुपये। गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छा है, और गाड़ी का यदि आप देखेंगे वो जो लाइटिंग सेगमेंट है वो एक स्पेशल है। जब डोर ओपन करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। देखिए डोर क्लोज कर दिया मैंने और लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। फिर देखिए डोर ओपन किया तो आप देख सकते हैं लाइट ओपन हो गए। और बात करें इसका जो स्टेयरिंग है वो आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग आपको इस गाड़ी में दिया गया है। ये सुपर गाड़ी का और एक जो खास चीज़ बात है वो है पावर एंड इको मोड। यदि आप चाहते हैं गाड़ी को ज़्यादा स्पीड चलाना तो आप पावर मोड ऑन करके गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में आप भगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं गाड़ी को अच्छा माइलेज के लिए आप चाहे तो इको मोड भी ऑन करके ज़्यादा माइलेज इस गाड़ी में पा सकते हैं। बात करें इस गाड़ी के गियर्स की, तो आपको 5 forward and 1 reverse gear मिलता है, क्योंकि एक सुप्रो का सबसे टॉप वेरिएंट है। देख आप देख सकते हैं वहाँ पर बोतल रखने के लिए भी स्पेस है, बूट स्पेस भी इस गाड़ी में ज़्यादा है। इसमें गाड़ी में आपको मोबाइल चार्जर ऑप्शन, AC भी आपको मिलता है। और गाड़ी में ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। महिंद्रा ने ड्राइवर के लिए एक ड्राइविंग मैनुअल्स भी ड्राइवर के ऊपर एक दिया गया है। और बात करें इसके रियर सीट की, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक चाइल्ड लॉक ऑप्शन मिलता है। यदि आप चाहते हैं गाड़ी का चाइल्ड लॉक ऑन करके आप बच्चों को सेफ्टी भी ज़्यादा दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है बैटरी ऑप्शन। और बात करें गाड़ी के सीटिंग की, तो आप आराम से पीछे 6 लोग आराम से आप गाड़ी में बैठा सकते हैं। और गाड़ी के रूफ की बात करें, तो आपको वहाँ पर एक लाइटिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जो कि नाइट में आपको बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी देगा। और जो स्पेस है दोनों गाड़ी में, दोनों बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है। और गाड़ी का जो रियर के बैक में जो सीट है उस वहाँ पर आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, इसका मतलब ज़्यादा लोड भी पीछे गाड़ी में ले सकते हैं। और जो ग्लास है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो ग्लास है इसे कहते हैं बटरफ्लाई ग्लास। इसका मतलब है जब यदि आप चाहते हैं तो वो ग्लास को भी आप ओपन करके गाड़ी का वेंटिलेशन भी अच्छा बना सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल है। और मैं भी अभी आपको गाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो पीछे से ओपन होता है और हम उसमें कितना और क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये इसका जो रियर है जिसे बैक साइड हम ये बोलते हैं। देखिए मैंने डोर ओपन कर दिया है, यदि आप देखेंगे तो आप आराम से यहाँ पर अपना यदि पिकनिक के लिए जा रहे हैं या स्कूल वैन के लिए से यूज़ करते हैं तो आप आराम से इसमें ज़्यादा कुछ लोड भी ले सकते हैं। दोस्तों गाड़ी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिए।